ऑनलाइन सीखने के तरीका जानने के लिए सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और बेल को क्लिक करना ना भूलें ताकि आप मेरा कोई भी वीडियो मिस ना करें। नमस्कार दोस्तों, मैं सुमंत आपका फिर से बहुत स्वागत करता हूँ हमारे इस ऑनलाइन शिक्षा अभियान के चैनल पे। और आज हम बात करने वाले हैं यूबर के बारे में, जिससे आप ऑनलाइन कैब या टैक्सी बुक कर सकते हैं। अगर आपको ये नहीं पता है कि आप अपने फोन के माध्यम से कैसे कैब या टैक्सी बुक करें, तो आप ये वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। फोन से कैब बुक करने के लिए आपको एक ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा जिसका नाम है यूबर। उसे आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए। डाउनलोड करने के बाद इस तरह से आपको एक आइकन मिलेगा, उसे आप खोल लीजिए। खोलने के बाद आप अपना फ़ोन नंबर इसमें डाल दीजिए। फ़ोन नंबर डालने के बाद आपके उसी नंबर पे एक 4 डिजिट का कोड जाएगा। उस कोड को इसमें डाल के आप वेरीफाई कर लीजिए अपना मोबाइल नंबर। डालने के बाद अपना नाम डाल के इसे रजिस्टर करिए। रजिस्टर करते साथ ही आपके पास एक ऐसा डिस्प्ले आ जाएगा। इसके बाद आपको क्या करना है, आपको अपने इस अकाउंट पे एक कोड डालना होता है। एक ये प्रोमो कोड है, अगर आप ये अपने अकाउंट पे डालते हैं तो आपका जो फर्स्ट थ्री राइड जो होता है उसमें 50 रुपीज़ का डिस्काउंट मिलेगा। और वो कोड कहाँ पर डालेंगे मैं आपको बताता हूँ। आपको कोड डालने के लिए आप साइट सेटिंग में जाके पेमेंट पे जाइए। पेमेंट में जाने के बाद ऐड प्रोमो कोड है, वहाँ पर क्लिक करिए। क्लिक करने के बाद आप इसमें प्रोमो कोड डालिए। जो मैं कोड डाल रहा हूँ आप ये कोड डाल सकते हैं। ये कोड डालने के बाद आपको आपके नेक्स्ट 3 राइड पे 50 रुपीज़ की ऑफ हो जाएगी। ये कोड डाल के इसको ऐड कर लीजिए। देख सकते हैं जैसे कि प्रोमोशनल एक आ गया। इसको अगर मैं खोलता हूँ तो आपको यहाँ पर दिखेगा कि 50 रुपीज़ करके 3 राइड्स ऑफ है और जिसकी वैलिडिटी अगस्त 12 2017 तक है। बस उसके बाद आपको इसमें एक चीज़ और करना पड़ता है, जो है कि आपको अपना पेमेंट ऑप्शंस जो है उसको सिलेक्ट करना पड़ता है कि आप पेमेंट किससे करेंगे। आप कैश से पेमेंट करना चाहेंगे कि पेटीएम से या कार्ड से। उसके लिए आपको पेमेंट ऑप्शंस में जाना होगा फिर से। फिर आप पेमेंट में क्लिक करिए। पेमेंट में क्लिक करने के बाद ऐड पेमेंट मेथड में क्लिक करिए। से क्लिक करने के बाद अगर आपको कैश पे करना है तो कैश क्लिक करके आप अपना जो है इस पे पासवर्ड एक बना लीजिए, क्योंकि इसने आपने जब अकाउंट बनाया था तब इसमें कोई पासवर्ड आपसे नहीं पूछा गया था। लेकिन जब आप अपना पेमेंट का मेथड इसमें रजिस्टर करेंगे तो आपसे पासवर्ड मांगा जाएगा। आप इसमें पासवर्ड डाल के इसे रजिस्टर कर लीजिए। बस उसके बाद आपको कैब बुक करने के लिए इसके होम पेज में जाइए। जाने के बाद आपको वो आपके लोकेशन पे दिखाएगा। बाई चांस अगर आपको वो आपके लोकेशन पे नहीं दिखाता है तो साइड पे एक ब्लैक रंग का आइकन दिख रहा होगा, उसे आप क्लिक कर देंगे तो वो आपके लोकेशन पे आ जाएगा। बस इसे क्लिक कर देना है। जैसे ही क्लिक करते हैं आप, ये आपके आपके लोकेशन पे आ जाएगा। उसके बाद आपको जहाँ जाना है वहाँ ऊपर पे वेयर टू है वहाँ पर वो लोकेशन डाल दीजिए। जैसे कि मैं कुछ भी डाल देता हूँ फ़िलहाल, जैसे कि मैं यहाँ पर लिख देता हूँ सिटी सेंटर 2। ये लोकेशन सर्च करके दिखा देगा। बस आपको यहाँ पर 3 टाइप की गाड़ी मिलेगी, आपको जो सुविधा लग रहा है उसे आप सिलेक्ट करके रिक्वेस्ट कर दीजिए, आपका कैब बुक हो जाएगा। ज़रूरी नहीं है कि आप केवल यूबर का ही यूज़ कर सकते हैं, आप ओला भी यूज़ कर सकते हैं। और अगर आपको ऐसा लगता हो कि दो ऐप से मेरे फ़ोन पे ज़्यादा स्पेस खाएंगे तो आप टैब्जो एक ऐप है, आप उसका भी यूज़ कर सकते हैं, जिस पे आपको दोनों का दोनों कैब की जो फेयर डिटेल्स होती है वो सामने दिखाई देगी। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, वंदे मातरम।